देवळी येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये संगम स्टील प्लांटने कोरोना संकट काळात आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखून अवघ्या 21 दिवसात ऑक्सिजन प्लांटची निर्मिती करून औद्योगिक जगतापुढे एक आदर्श निर्माण करून कोरोना संक्रमण काळात प्रत्येक उद्योगाने आपली जबाबदारी कशी पार पाडली पाहिजे याचे उदाहरण प्रस्तुत केले. मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन या राष्ट्रीय मिशन अंतर्गत आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आव्हानाला अनुसरून शक्य तितक्या लवकर आमच्या मॅनेजमेंटमध्ये निर्णय घेऊन 7,70,00,000 हा प्रोजेक्ट उभा केला. 500 ऑक्सिजन सिलेंडर दररोज होणाऱ्या या प्राणवायू प्रकल्पामधून निर्मिती होणाऱ्या ऑक्सिजन जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेला मोफत कोरोना काळात पुरवू अशी ग्वाही संगम स्पाचे संचालक मानधनी यांनी उपस्थित पत्रकारांना दिली. या प्रकल्पासाठी नितीन गडकरी, पालकमंत्री सुनील केदार, आमदार रणजित कांबळे यांनी आम्हाला मोलाचे सहकार्य व मार्गदर्शन वेळोवेळी दिले. याच प्रकारे प्रत्येक उद्योगाने आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखून समाज उपयोगी कर्तव्य पार पाडावे, जेणेकरून कोरोना संकटावर लवकर मात करणे शक्य होईल. ऑक्सिजन सिलेंडरचे पहिले टँकरला आमदार रणजित कांबळे यांनी हिरवी झेंडी लावून आरोग्य केंद्रात रवाना केले. यावेळी मान्यवर उपस्थित होते. जो कुछ एरियाज है जहाँ पर जैसा विदर्भ एरिया है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं है. आप अगर उधर चले जाओ, पश्चिम महाराष्ट्र बॉम्बे साइड चले जाओ, तो वहाँ काफ़ी प्लांट है ऑक्सीजन से, पर अपने यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट्स की बहुत कमी है. अगर बहुत बड़ी आपदा आ जाती है और सब तरफ से आपदा आ जाती है तो इस एरिया को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा. ये ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उद्योग विभाग का जो एक धोरण है, उन्होंने अभी एक धोरण कराया है, सीएम साहब ने उस धोरण को नाम दिया है मिशन ऑक्सीजन स्वावलंबन. मिशन ऑक्सीजन स्वावलंबन का मतलब है कि उनका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उद्योग विभाग का एक धोरण है कि अब हमको ऑक्सीजन के अंदर स्वावलंबन होना चाहिए, ताकि वो यहाँ सब तरफ ऑक्सीजन की वहाँ पर निर्मित होनी चाहिए. इसको आगे बढ़ाते हुए गडकरी साहब का विदर्भ में ऑक्सीजन प्लांट आने चाहिए, इसका भी बहुत उनका आग्रह था. ये सबको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर 15 अप्रैल को ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निश्चय किया. और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि 17 या 18 अप्रैल को हम लोगों को बेंगलोर स्थित ऑक्सी प्लांट प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी जो ऑक्सीजन प्लांट बनाती है, इस कंपनी के साथ में हम लोगों ने बातचीत की. और इनका जो नाइजीरिया में जो प्लांट जा रहा था, जो प्लांट पैक होके नाइजीरिया में लगने वाला था, उस प्लांट को हमने हमारी पूरी ताकत लगा के रिक्वेस्ट करके वो प्लांट को हमने वर्धा के लिए, दिल्ली के लिए मंगवाया है. अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज, पुलगांव.